आज तारीख हो चुकी है 12 नवंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है यहाँ पर मयंक अग्रवाल की तरफ से। दरअसल मयंक अग्रवाल को पंजाब की टीम यहाँ पर ऑफिशियली अपनी टीम से रिलीज कर चुकी है, जहाँ पर कल पंजाब ने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट कर दी और रिपोर्टेडली इस लिस्ट में मयंक अग्रवाल का नाम है। तो मयंक अग्रवाल को यह टीम रिलीज कर चुकी है और करंटली 5 आईपीएल टीमें मयंक अग्रवाल को परचेस करने के लिए अप्रोच कर रही है, जहाँ पर हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, आरसीबी और लखनऊ ने मयंक अग्रवाल को ट्रेड करने के लिए यहाँ पर प्रपोजल दिया था, ऑफर किया था। हालांकि अगर मयंक अग्रवाल ऑक्शन से पहले ट्रेड नहीं होते, तो ऑक्शन में मयंक अग्रवाल इन 5 में से किसी एक टीम में चले जाएंगे। ये 5 टीमें ऑक्शन में मयंक अग्रवाल के लिए अब काफी बड़ी बिड करती हुई हमें दिखेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग इन टीमों में से कौन सी टीम मयंक अग्रवाल को ऑक्शन में कितने करोड़ तक परचेस कर सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। दरअसल लखनऊ की टीम ने अपने विस्फोटक ओपनर को यहां पर रिलीज कर दिया, जहां पर इस टीम ने अपने यहां पर वेस्ट इंडीज के विस्फोटक ओपनर इवन लुइस को अब आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए रिलीज कर दिया, जहां पर लखनऊ की टीम में ऑलरेडी काफी अधिक ओपनर से ओपनिंग स्लॉट में काफी अधिक विकल्प होने के कारण इस टीम ने अपने विस्फोटक ओपनर इवन लुइस, जिन्होंने पिछले साल इस टीम को 1-2 मुकाबले जिताए थे, उनको अब रिलीज कर दिया। और इवन लुइस करंटली काफी अच्छी फॉर्म में, इसी वजह से कोलकाता और आरसीबी की टीमें ऑक्शन में इनको टारगेट करेगी, क्योंकि इन दोनों टीमों को ओपनर की नीड है। तो ये दोनों टीमें अब इनको टारगेट करेगी, दो में से किसी एक टीम में यहां पर करोड़ों में यह भी हमें जाते हुए देखेंगे। आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग इवन लुइस को ऑक्शन में कौन सी टीम परचेस करेगी, कितने करोड़ तक ये बिक पाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है यहां पर आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी ने ऑक्शन से पहले साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज राइली रूशो को टारगेट कर रखा है, जहां पर राइली रूशो का काफी अच्छा वर्ल्ड कप रहा था। वर्ल्ड कप में इन्होंने एक बड़ा शतक भी जड़ा था, काफी अच्छी करंटली फॉर्म में, इस फॉर्म में होने के कारण आरसीबी की टीम इनको मैक्सवेल के बैकअप के तौर पर देख रही है। आरसीबी की टीम इनको अपनी टीम में यहां पर परचेस करना चाहती है, ताकि मैक्सवेल के बैकअप के तौर पर ये टीम में मौजूद रहे। मैक्सवेल करंटली अच्छी फॉर्म में नहीं है, मैक्सवेल का वर्ल्ड कप भी काफी खराब रहा था। तो मैक्सवेल की खराब फॉर्म के बाद अब ये टीम यहां पर मैक्सवेल के बैकअप के तौर पर अब राइली रूशो को परचेस कर रही है। आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग इस टीम का ये सही फैसला, सही डिसीजन है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई से यहां पर इंडियन फैंस ने मांग करी है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को आईपीएल से बैन कर दिया जाए, जहां पर ट्विटर पर फैंस लगातार ये ट्रेंड करा रही है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को आईपीएल से बैन करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल से करोड़ों रुपए कमाकर अब वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को ही यहां पर बाहर कर रहे हैं। इंडिया से ही पैसे कमाकर इंडियन टीम को अब वर्ल्ड कप से बाहर कर रहे हैं। हालांकि शायद बीसीसीआई इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैन ना करे, क्योंकि बीसीसीआई को इससे इनिशियली नुकसान होगा, क्योंकि इस साल यहां पर इंग्लैंड ने भारत को हराया, पिछले साल यहां पर न्यूजीलैंड ने, और 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। पिछले साल भी पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर किया था। तो इस हिसाब से अगर न्यूजीलैंड की टीम को भी आईपीएल से बैन कर दे, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को भी बैन कर दे, तो आईपीएल से काफी सारे खिलाड़ियों की कमी हो जाएगी, शायद बीसीसीआई एक्शन ना ले। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या बीसीसीआई यहां पर क्या फैसला ले सकता है, क्या बीसीसीआई इंग्लैंड के प्लेयर्स की आखिर आईपीएल में सैलरी में कटौती करवा सकता है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई की तरफ से। दरअसल चेन्नई ने कल शाम अपनी ऑफिशियल रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट कर दी। कल शाम को इस टीम ने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट कर दी थी। हालांकि बीसीसीआई ने 15 नवंबर शाम 4:30 बजे की यहां पर डेडलाइन दे रखी, लेकिन चेन्नई ने और कुछ और टीमों ने तो यहां पर कल ही अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट सबमिट कर दी, जहां पर चेन्नई के रिलीज खिलाड़ियों में मोस्ट सरप्राइजिंग हमें यहां पर ब्रावो और अंबाती रायडू का नाम देखने को मिलेगा। तो अंबाती रायडू और ब्रावो मोस्ट लाइकली चेन्नई से अब यहां पर रिलीज हो चुके हैं। इसके साथ ही यहां पर बाकी टीमों के रिलीज प्लेयर्स को लेकर और चेन्नई की रिलीज लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है 4 टीमों की तरफ से, जिन्होंने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट यहां पर बीसीसीआई को सबमिट कर दी। दरअसल कल चेन्नई ने नहीं बल्कि 3 और टीमों ने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट करी, जहां पर चेन्नई, पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई ने अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट कर दी। आज इन सभी टीमों के रिलीज खिलाड़ियों को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल्ड वीडियो आएगी, टेलीग्राम चैनल पर सारे लिस्ट मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर वैसे भी हमारे
टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी टीम के रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखने के लिए सबसे अधिक आखिर एक्साइटेड हो। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है आती है एक और यहाँ पर ट्रेड कैंसिल को लेकर। दरअसल यहाँ पर नीतीश राणा और शाहबाज अहमद के बीच एक ट्रेड होने वाली थी लेकिन कल ये ट्रेड कैंसिल हो चुकी है, जहाँ पर कोलकाता ने अपने विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश राणा के बदले यहाँ पर आरसीबी से शाहबाज अहमद की मांग करी थी। यहाँ पर कोलकाता ने यहाँ पर आरसीबी को प्रपोजल दिया था कि नीतीश राणा को लेकर वो शाहबाज अहमद को कोलकाता में भेज दे, लेकिन आरसीबी ने यहाँ पर सोच विचार के बाद इस ट्रेड को करने से मना कर दिया। जहाँ पर आरसीबी के लिए शाहबाज अहमद का बल्ले के साथ गेंद के साथ आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा, तो शायद इसी वजह से शाहबाज अहमद को ये टीम ट्रेड करना नहीं चाहती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर ये ट्रेड होती तो यहाँ पर कौन सी टीम को नुकसान होता, कौन सी टीम को फायदा होता। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है रोहित शर्मा की तरफ से। दरअसल रोहित शर्मा को हो सकता है कि अब T20I की कैप्टनसी से यहाँ पर हटा दिया जाए और हार्दिक पांड्या को नए T20I कप्तान बना दिया जाए। यहाँ पर 2024 में अब जो T20 वर्ल्ड कप होगा उस वर्ल्ड कप के लिए शायद हार्दिक पांड्या को कप्तान के तौर पर अब ग्रूम किया जाए, हार्दिक पांड्या के इर्द गिर्द अब टीम बनाई जाए, तो हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को अब जल्दी T20 का नया कप्तान बना दिया जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए क्या BCCI का आपके अकॉर्डिंग ये सही फैसला होगा या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।